माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। अगर आप उसे सर करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। अगर आप सर उठाकर देखें तो उलट ही जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ऊंची है। इस पहाड़ को देखिए, अगर आप उसे हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे? जोर लगाएं? लगेगा? नहीं। बस पहाड़ जोर से नहीं हटते। आप कोशिश कर ले, नहीं हटेंगे। आप जितना भी चीखें, नहीं हटेंगे। आप रोएं, वो नहीं हटेगा। ये कैसे हटेगा? ये है मुश्किलात का पहाड़, जो आपसे बहुत ऊंचा है, आपकी ताकत से, आपकी कुव्वत से, लेकिन खुदा ही उसे हटा सकता है। मैं जो भी बात करती हूँ उसका रूहानी मतलब होता है। जब हम पहाड़ की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं ये मुश्किलात हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। ये पहाड़ नहीं है, ये है माउंटेन जिस पर सैर की जाती है। ये देखिए, कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय करें, क्योंकि आप ऊपर पहुंचा दिए गए हैं जीसस के नाम में। ये ऊपर कैसे पहुंचे? इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी से मदद मिली। ये कैसे चढ़े हमें नहीं पता, लेकिन ये चढ़ गए। तो फिर क्या हुआ था? इनके पास कुछ था? कोई चैनी वगैरह जिसको उन्होंने पहाड़ के अंदर मारा, उस पर पांव रखा और ऊपर चढ़ गए। इसी तरह से मुश्किलात हैं हमारी ज़िंदगी में, जिनमें छोटे छोटे ईमान से आप ऊपर जा सकते हैं इन लोगों की तरह। ये ईमान है हमारे खुदा पर, जो हमें पाक रो देता है जब हम दुआ करते हैं। ये मुश्किलात हटाई गईं तो ठीक रहेगा। मैं बिल्कुल साफ रास्ता चाहता हूं। फिर ऊपर चढ़ूं, फिर उतरूं, मैं थक गया हूं, मैं क्या करूं? मैं मुश्किल में हूं, मुझे साफ और सीधा रास्ता चाहिए जो कि खत्म हो जाए, मेरी मुश्किलात बस खत्म हो जाए। ऐसा ही रवैया रखते हैं हम जब हम काम नहीं करना चाहते, रोते रहते हैं। छोटा सा काम शुरू कर लें, काम हो जाएगा, पैसे मिलेंगे जो मुश्किलात दूर कर देंगे। फिर कोई और काम कर लें। एक ही काम लगातार ना करें, लेकिन कुछ तो करें। ये ऐसे ही है जैसे कि घर बैठे हुए रोटी को कहना, मेरे मुंह में चली जा। ऐसे नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ तो करना है। बहुत से लोग काम नहीं करते, फिर शिकायत करते हैं,
हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। इस पहाड़ से आगे भी तो एक पहाड़ है, वो भी उतरने वाला। मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, मैं किस तरह चढ़ूं और उतरूं। फिर एक और पहाड़ आ जाता है। मेरी जिंदगी में तो पहाड़ ही पहाड़ है, ये मुश्किलात है। बचपन से अब तक मुश्किलात ही बर्दाश्त की हैं, पैसे की कमी, गरीबी, दुख और आजमाइश और ख़त्म ना होने वाली मुश्किलें, ये क्या है? यह हमारी जिंदगी है जिसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते और जी भी नहीं सकते। बास लोगों की मुश्किलात ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ लोग एंजॉय करते हैं इन लोगों की तरह। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन रुकावट आ जाती है बहुत ही बड़ी कि मैं हल ही नहीं कर सकता। मैं काम भी करना चाहता हूं, लेकिन मिलता ही नहीं। कोई ऐसी मुश्किल भी होती है कि आप काम नहीं कर सकते, वो मजबूरी हो सकती है या फिर किसी की मौत की वजह से आपको शौक लगता है, ये होता है। लेकिन क्या होता है, प्लीज मर जाता है जब हम दुआ करते हैं, वो हलाक हो जाता है, वो मरने के लिए ही है। इन जीसस नेम, हमारी मुश्किलात जो हैं वो प्लीज नहीं पैदा की हैं। आप नहीं जानते ये क्या होता है। मुश्किलात का पहाड़ जो है बदरूहों ने खड़ा किया हुआ था, वो खड़ा करती हैं ये मुश्किलात का पहाड़। आपको नौकरी नहीं लेने देती, आप काम नहीं कर सकते, बीमार हो जाते हैं या किसी की मौत की वजह से गम ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं। ये गम भी पैदा करने वाली एक स्पिरिट होती है जो हद से ज़्यादा गम पैदा करती है। एक नॉर्मल गम होता है जो ख़ानदान के किसी अजीज़ की मौत की वजह से होता है, लेकिन बाज़ुकात ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा गम किया जाता है जिसकी वजह से तबीयत भी ख़राब रहती है। हम खुश होना ही नहीं चाहते। फिर ऐसी भी रुकावट होती है, ऐसा भी पहाड़ होता है मुश्किल का कि मैं कुछ करना तो चाहता हूँ लेकिन कोई करने ही नहीं देता। ये है जुल्म जो किसी भी शख्स को मुतासर कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो मारा जाता है। ये लड़कियां हैं जो सब कुछ नहीं कर सकती, वो करना तो चाहती हैं लेकिन हालात के रहम व करम पर होती हैं। वो क्या करती हैं, रोती रहती हैं या फिर बुरे काम करने लगती हैं, बदकारी करती हैं, तवायफों का पेशा इख्तियार कर लेती हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर उनके माँ बाप ये सुन रहे हैं
कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी तो वो क्या करेगी? अगर वो तंग आकर ये काम करे कि बदकारी करे तो फिर ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ पर ये सब होता है। ज़ाहरी तौर पर तो शरीफ बनी रहती हैं लेकिन बदकारी करती हैं, क्योंकि पैसा जो चाहिए। ज़रूरत जो पूरी करनी होती है, क्योंकि आप नहीं करते, ना करने देते हैं। यही वजह है बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार है। बहुत से मुश्किल में हैं, लेकिन आज़ादी है कि हम दुआ करें और हमारी मुश्किलात दूर हों। क्योंकि मुश्किलात हैं अब्लीस की तरफ से, वो पहाड़ है जो अब्लीस ने खड़ा किया है। अगर आप दुआ करते रहते तो मुश्किल दूर हो जाती, क्योंकि कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जो खुदावंद हटा ना सके। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिस पर खुदावंद गालिब ना आ सके। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? खुदावंद फरमाता है, मैं सब कुछ करूंगा, तुम मेरी हो, मेरे लोगों, तुम मेरे हो। जब हम मुश्किलात की बात करते हैं तो हर किसी की मुश्किलात अपनी है, हर किसी के फर्क फर्क प्रॉब्लम है। सब पहाड़ एक जैसे नहीं होते, जैसे कि ये। अब सुने कुछ लोगों के व्यूज। मुश्किलात ही इतनी है, मैं क्या करूं? अब मैं ईमान रखने लगा हूं। जब भी मुश्किल आती है मैं ईमान रख लेता हूं तो मुश्किल दूर हो जाती है। मैं मुश्किलों पर ईमान से गालिब आता हूं। यह है एक आदमी का नजरिया, पर दूसरे का क्या है? मैं तो बहुत मुश्किल में हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं मुश्किल में हूं। वो कहते ही जाते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये लोग भी तो हैं जिन्होंने घर ही बना लिया है यहाँ। ये मुश्किलात में हैं, ये पहाड़ों में हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई रोड भी नज़र नहीं आ रही, इतनी मुश्किलात हैं। लेकिन ये खोदते रहे हैं, इन्होंने पहाड़ को खोदा है, बार बार ईमान रखा है। ये लोग उन लोगों की मानिंद हैं जो ईमान से मुश्किलात को खोद लेते हैं। ये ईमान से मुश्किलात को खोदते हैं। ये हैं ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर घर बनाया है। ये फाते लोग हैं, इन्होंने फतह पाई है अपने ईमान से। मुश्किलात भाग जाती हैं उनके सामने, क्योंकि खुदावंद यीशु के अंदर है। यह है कलीसिया। आप क्या करते हैं मुश्किलात के साथ जब वो आती हैं? उस वक्त ज्यादा दुआ करें, क्योंकि मुश्किलात हल ही इस तरह से होती हैं जब ईमान रखा जाता है। जब ईमान नहीं होता तो दुआ करें, खुदा रहम करेगा।
ज़्यादा दुआ करें अगर कम करते हैं। आप कहते हैं मेरी दुआ सुनी नहीं जाती, ये बात नहीं है, आप ईमान नहीं रखते। और ईमान क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि दुआ नहीं की जाती, खुदा के करीब नहीं आया जाता, बोला नहीं जाता कि मेरी मदद कर, अब मैं मुश्किल में हूँ। क्या खुदा छोड़ देगा? क्या वो ना सुनेगा? वो आपकी सुनेगा, क्योंकि वो बाप है। आप अपना बाप देखते हैं वो किस तरह का है, वो रहम करता है या नहीं। अपनी माँ को देखिए, ये मोहब्बत की एक किस्म है जो खुदा के अंदर होती है, ये कंट्रोल लेस होती है, ये फर्क नहीं करती कि कौन क्या कर रहा है। जब मुसीबत होती है तो खुदा ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, या ये नहीं देखता आपने कोई गलती की है। वो प्यार करता है। जब आपका बच्चा गिर जाए, उसे चोट लगे, तो आप ये नहीं देखते कि वो शरारती है, वो बदतमीज़ है, हाथापाई भी करता है। आप ये देखते हैं कि उसे चोट लगी है। इसी तरह आपका बाप है जो आसमान पर है, वो आपकी मदद करता है। आप उसके पास आए और दुआ करें, वो आपकी सुनेगा। इस पहाड़ को अब देखिए, ये मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि आपने इस पर गालिब नहीं आना। जो आपके अंदर है वो हमारी चट्टान है, जो यीशु मसीह है। अब इस पहाड़ से कहें, अब इससे ये कहें, तू हट, मैं नहीं हटूंगा, मैं अपने इरादे पूरे करूंगा, मैं मुश्किलों पर गालिब आऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर खुदावंद है जो मेरी चट्टान है, मैं उस पर खड़ा हूं, मैं हिलूंगा भी नहीं। जिंदगी की मुश्किलात को देखने के दो तरीके हैं, या तो पहाड़ को देख लें या पहाड़ बनाने वाले को। अगर पहाड़ बनाने वाले को देखेंगे तो ये पहाड़ नहीं रहेगा। मुझे खुदावंद ने बताया है आज सुबह कि कैसे ये पहाड़ नहीं रहेगा। पहाड़ कैसे बनता है? जमीन ऊपर आती है, कोई जलजला वगैरह आया होगा जिसकी वजह से ये पहाड़ बना। इसकी तह का पता है? नहीं, ये खुदा को पता है इस पहाड़ की तह कहाँ है। पहाड़ की तह कहाँ है ये आप नहीं जानते, ये खुदा नहीं जानता है। नीचे जो जमीन है, मुझे खुदा ने बताया, जो बराबर है, अगर वो ऊंची हो जाए तो कैसा हो? मेरे खुदा ने मुझे ये बताया था कि अगर जमीन जो नीचे है, पहाड़ के नीचे, अगर वो ऊपर की जाए तो क्या हो? पहाड़ नीचा हो जाएगा। जब आप बनाने वाले से बात करेंगे तो पहाड़ नीचा हो जाएगा, क्योंकि वो खुद आएगा आपके अंदर और मुश्किल से आजाद करेगा। इस पहाड़ को कहे, तू उखड़ कर समुन्दर में जा पड़, तो जा पड़ेगा। ये खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, यानी जैसा कहोगे
वो पहाड़ा कभी करेगा, वो हटेगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह के नाम में हुक्म दिया गया है, आप उस पर गालिब आएंगे, वो आप पर नहीं। अगर मुश्किलात हैं उन्हें कहीं दूर हो, यीशु के नाम में कलाम बोलें, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हैं वो होता है। जब खुदा यीशु मसीह आपके अंदर हो, अगर वो नहीं तो दुआ मांगे कि वो आपके अंदर हो, वो आए, ताकि आप बरकत पाएं, तभी आप फतह पाएंगे। वरना मुश्किलात का पहाड़ आपके लिए पहाड़ ही रहेगा। अगर नाकामी है तो कहें नाकामी दूर हो, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो कायम रहता है। हर एक चीज खत्म हो जाती है, लेकिन खुदावंद का कलाम कायम रहता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।